एक जमाना होगा मगर नहीं क्या करें। वो चीज है जो उनके चल रहा है आप में, वो घट सब चीज है राशन की दुकान पे जब आम जनता जा रही है, ट्रेवल्स में जा रही है, हॉस्पिटल जा रहे हैं, अलग अलग जरूरत जिंदगी के तहत जा रहे हैं, वहां पर एक ही बात पूछी जा रही है कि आपने वैक्सीन लिया है या नहीं लिया है। जब नहीं लिया है तो गरीबों को अनाज भी तक नहीं दिया जा रहा है, पेट्रोल नहीं दिया जा रहा है। एक अजीब दहशत निर्माण है। और आप एक पार्टी के, राष्ट्रवादी पार्टी के बहुत जिम्मेदार माने जाते हैं, आपका एक दबदबा है, आपके एक बारे में एक छवि है कि आप जो बोलते हैं खरा खरा बोलते हैं। तो आज औरंगाबाद की जनता बड़ी तवज्जो के साथ आपको देख रही है कि आपका भूमिका क्या है इसके अंदर। नहीं, मेरी भूमिका का सवाल नहीं है। जहां तक वैक्सीनेशन का सवाल है, राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी की भूमिका भी, आज आप जहां बैठे हैं ये हमारा राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी का ऑफिस है और हमने यहां 3 दिन वैक्सीनेशन करने का ऐलान किया है। और आज माशाल्लाह कितने हो गए अपने टोटल? 180 वैक्सीनेशन हमने आज दिया है। हमारी भूमिका है कि लोगों ने वैक्सीन लेना चाहिए और वैक्सीन को लेने के लिए प्रोत्साहन करना चाहिए, ना कि लोगों को डराना चाहिए ना धमकाना चाहिए। इस तरीके का कोई हमारे प्रशासन यानी शासकीय हमारे हुकूमत का कोई ऐसा आदेश नहीं है कि लोगों को पेट्रोल मत दो, लोगों को राशन मत दो, लोगों को ट्रैवल मत करने दो। जिलाधिकारी साहब ने ये आदेश ज़रूर निकाले हैं, लेकिन ये आदेश इस तरह से नहीं बोलना चाहिए। उनको वैक्सीनेशन के लेने के लिए और तरीके इस्तेमाल किए जा सकते हैं। जैसे जितने पार्टी के जिम्मेदारान हैं वो अपने अपने इलाकों में, अपने मतदार संघ में, अपने इलाकों में कैंप लगाए, लोगों को आह्वान करे। वैक्सीन लेना ये अच्छी चीज़ है, क्योंकि कलेक्टर साहब का क्या उसके अंदर में मसला है? वो भी ये चाहते हैं कि लोगों की ज़िंदगी को बचाया जाए, इस बीमारी से बचाया जाए। लेकिन इस सब कुछ के बावजूद भी ऐसा कोई कानून नहीं है जो मानना चाहिए कलेक्टर साहब की बात कि पेट्रोल को जाओ तो इंजेक्शन के बगैर नहीं जाना चाहिए, राशन को बगैर इंजेक्शन के बगैर नहीं जाना चाहिए। ये ऑप्शनल है, आप लेना चाहते हैं इसका फ़ायदा है, लेना चाहिए। अगर आप नहीं लेना चाहिए तो आप पे ज़बरदस्ती नहीं होना चाहिए। जो ज़बरदस्ती है इसको मैं गलत मानता हूँ। और लोगों को मैं ये कहना चाहता हूँ कि ये आपके हद का मसला है। आप लेना चाहते हैं तो ज़रूर लीजिए, नहीं लेना चाहते हैं तो आप पे कोई ज़बरदस्ती करता है नहीं। अगर कलेक्टर साहब ऐसा काम करते हैं तो गलत करते हैं। सर, हम मीडिया के माध्यम से हमने देखा है कि ये सूरत हाल साहब है नहीं, लोग नहीं डर का माहौल, इस तरह का डर का माहौल पैदा नहीं होने देंगे हम। कोई भी अधिकारी हो, अगर इस तरह हम उनसे बात करेंगे, उनको समझाएंगे कि इस तरह के माहौल को पैदा ना करें। अगर वो इस तरह का माहौल पैदा करने की कोशिश करेंगे तो उनको घेरने का काम हमारी पार्टी वहाँ पे करेंगी। मैं उनको भी बोलना चाहता हूँ कि जनाब आला कलेक्टर साहब, आप आदेश ज़रूर दीजिए, आप अच्छा काम कर रहे हैं उससे नो डाउट, लेकिन दहशत का माहौल मत बनाइए कि पेट्रोल पंप पे वो नहीं मिलेगा और यहाँ रिक्शा में नहीं बैठेगा और ट्रैवल में नहीं जाएगा। इस तरह का अगर काम यहाँ पे होगा औरंगाबाद में, लोगों के साथ नाइंसाफ़ी हम होने नहीं देंगे। हम रास्ते पे आएंगे, आंदोलन करेंगे, उनकी मुखालिफत में खड़े रहेंगे। अगर वो अच्छा काम कर रहे हैं तो हम उनके पीछे खड़े हैं। आज हमने यहाँ पर 3 दिन का ऐलान किया कि वैक्सीनेशन होगा राष्ट्रवादी के हाल में, हर वार्ड में हमारे जो है तो कैंप लगने वाले हैं और हम लोगों को प्रोत्साहन करने वाले हैं कि आप आइए वैक्सीनेशन कीजिए, ये हमारे लिए अच्छा है। मैंने भी वैक्सीन लिया हूँ और मैं लोगों को भी कहता हूँ कि आप भी वैक्सीन लीजिए। लेकिन इस तरह का दहशत का माहौल कि भाई वैक्सीन लेना ही चाहिए और नहीं लेंगे तो राशन नहीं देंगे, पानी नहीं देंगे, खाना नहीं देंगे, गाड़ी में नहीं बैठने देंगे, इसके हम सख्त मुखालिफ हैं और ये बात होने नहीं देंगे। और लोगों को कहना चाहते हैं कि कोई इस तरह की बात करता है, डरने की ज़रूरत नहीं, दृढ़ जाओ उसके खिलाफ। जो कोई भी आपके सामने, चाहे पुलिस वाला हो, चाहे प्रशासन का कोई अधिकारी हो, अगर ज़बरदस्ती करता है, ये ज़बरदस्ती आप पे लागू नहीं होती और इस तरह का माहौल यहाँ पे हम पैदा होने नहीं देंगे। सुप्रीम कोर्ट के भी क्लियर निर्देश है कि कोई ज़बरदस्ती ना किया जाए, ये लेना अच्छी चीज़ है। सुप्रीम कोर्ट ने भी तारीफ की कि वैक्सीन की वजह से अपनी जान बचाई जा सकती है। ये सब बातें हैं। नासिक में कलेक्टर साहब के खिलाफ में FIR आई हुई है, इसके खिलाफ FIR दाखिल हुई है, ये भी उतना ही सही है। इसलिए मैं, हमारे माननीय जिला कलेक्टर साहब बहुत अच्छे इंसान हैं, मैं उनको कहना चाहूँगा कि इस तरह की ज़बरदस्ती का इस्तेमाल ना करें, जिसके वजह से हमको तुम्हारे खिलाफ ना खड़ा होने।
सर शहर में जहाँ पर अगर जबरदस्ती की जा रही हो तो क्या आपके पास पार्टी ने हेल्पलाइन नंबर आपका फोन नंबर ताकि लोग आपसे आपसे जुड़ सके? हेल्प क्या लेना, हमारे तो नंबर सार्वजनिक है ऑलरेडी, मतलब जिसका भी फोन आता है हम तो बात करते हैं। मैंने परसों ही एक ट्रैवल को रोका गया तो कलेक्टर साहब से इमीडिएट बात किया और ट्रैवल को मैंने इमीडिएट रिलीज किया। तो जो हमारे पास फ़ोन करेंगे, यही तो वैक्सीन का मसला नहीं, हम तो 24 घंटे हमारे जितने कार्य करते हैं सबके नंबर जारी है, कोई भी फ़ोन कर सकता है किसी भी तकलीफ में। हमारी जिम्मेदारी है उन लोगों के लिए मदद के लिए जाना।